हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर आप लोगों के स्वागत में आ गया हूँ। ये देखिए, ये मेरा कबूतर का कुछ 6 खाने 7 8 खाने का सेटअप है, जिसमें मेरे को अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर एक कबूतर ने एक ही बच्चा दिया है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है उससे। ये इसका एक ही अंडा फर्टिलाइज़र हुआ है, जिसको मैं अभी निकाला हूँ, अभी चेक कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि इसको अपना जुपिटर से निकला हुआ जो बच्चा है उसको अभी इसमें शिफ्ट करूँगा। और ये देखिए, मैं सैटेलाइट के बच्चे चेंज किया था। ये सैटेलाइट के बच्चे देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं मेरे, चोंच धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। और ये मदर फादर हैं इसके, जो कि खिलाते पिलाते हैं, वो अलग से वहाँ पर है। ये बच्चा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इनका अंडा देने का था, अभी तक ये अंडे नहीं दिए हैं। जल्दी तैयारी कर रहे हैं अंडे देने की। तो आइए। अच्छा, ये है कि अगर कोई बच्चे उच्चे बदलने का जगह है अपने पास में, तो अपन बदल दें, क्योंकि इंक्यूबेटर में सही टेम्परेचर, सही ह्यूमिडिटी और सही सब कुछ अपन को एक जैसा बैठाना होगा, तभी बच्चे ग्रोथ करेंगे। नहीं तो बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। शाम का टाइम है, वीडियो थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा है। मैं आपको ट्रॉपिक टू ट्रॉपिक दिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे जितनी जल्दी हो जाए वो। ओके, तो अब जैसे कि हम आ गए हैं अपने इंक्यूबेटर की तरफ, इसमें से एक बच्चे को मैंने दूसरा फूड दिया था, एक बच्चे को दूसरा फूड दिया था। देखिए कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। बट आगे मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा ये लोग को, क्योंकि इनको मैं चेंज करूंगा। एक मिनट, इसको फिर टर्न कर लिया जाए। ये देखिए, मैं इसको एक बार खोला, ह्यूमिडिटी अपने आप कम हो गई, 48 हो गई, जबकि 75 आसपास को जा रहा था ह्यूमिडिटी। और आज इसको मैं अभी चेंज कर ही देता हूँ बच्चे लोगों को, क्योंकि फर्क पड़ रहा है माँ के खिलाने और खुद के खिलाने से। अपन चने का सत्तू और इधर उधर कुछ भी खिलाते पिलाते रहेंगे तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। अपन को समय मिल गया बदलने का, थोड़ा अच्छा है। मैं वहाँ रख करके आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं अकेला हूँ, मुझे रखने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी यहाँ पे टेम्प्ररी रखा हूँ। यहाँ पे 3 बच्चे रख दिए हैं, 2 बच्चे पहले से थे, ये तीसरा मैंने डाला है अभी, जिसको खाना खिलाना था, कम हो गया है इसको खाना। दूसरे वाले को मैंने भरपेट खिलाया है, नहीं दिख पा रहा है। ये देखिए अभी ऐसा, तो ज़्यादा अच्छा रहे कि अगर इंक्यूबेटर के बजाय ऐसे सेकंड ऑप्शन है अपने पास पालने का, तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। अब इसका आगे का भी वीडियो दिखाएंगे आपको। एक ही बच्चा निकला था उससे, ये थोड़ा सा झुक गया है, जिसकी वजह से कबूतर इसके अंदर बैठ नहीं रहे हैं। इसको ऐसा रहने देते हैं, इनको आने जाने में आसानी होगी थोड़ी सी। थोड़ा रिपेयरिंग करना पड़ेगा लग रहा है फिर से। इस पर ट्रे नहीं है, मैं इस ट्रे को घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि
ट्रे रहता है तो ये लोग बहुत जल्दी सेट बनाते हैं अपना। अब इस पे ये लोग बहुत जल्दी बनाएंगे सेट अपना, तो देखिए उसके बाद यहीं पे बना देंगे ये लोग। ओके, ये मेरा सेट था, ये मेरा कबूतर का सेटअप है। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ बच्चे आए हैं, नहीं आए हैं और क्या अच्छा इनको चेक करने के लिए, क्योंकि बीच बीच में अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपके कबूतर कैसे हैं आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये मेरा कबूतर का ऑटोमेटिक दाना सिस्टम है, जैसे मैं बाहर गया या नहीं गया जैसा भी है। ये ईटा के ऊपर चढ़ते हैं ये लोग और यहाँ से ऐसा खसकाते हैं और ये ऑटोमेटिक बोतल से दाना गिरता है और ये इतने सारे लोग खा लेते हैं। इतना दाना ऑटोमेटिक इनके लिए पड़ा रहता है क्योंकि हमेशा अलग अलग दाना देना इतने लोगों को झुंड में डेली में दो बार बाहर से कोई भी डाल देता है दाना। और ये यहाँ पर देखिए ये पानी का सेटअप है, जैसे कि मेरे दूसरे वीडियो पे दिया हुआ है, ये पानी का सेटअप है, ऑटोमेटिक पानी उसमें भी लगता है। ये मेरे लखे का क्रॉस का बच्चा निकला है, देखिए पेट भी भरा हुआ है, बहुत अच्छे से बैठा है नीचे में, ये हेल्दी है। मैं विशेष करके स्पेशली इसी के लिए आया हूँ कि ये मेरे को थोड़े से डल लग रही थी, फीमेल है जोकोब इनकी, जो कि थोड़ा वजन भी थोड़ा कम लग रहा है लेकिन हेल्दी है। थोड़ा देख रेख मेंटेन की ज़रूरत है इसको, हड्डी थोड़ा निकल गया है इसका, ये मैंने ऐसे ही ख़रीदा था तो ये अभी अलग से इसको अलग करूँगा, संभाल लूँगा, समय रहते आ गया। और स्पेशली घुसा था इनके लिए, यहाँ पे दो बच्चे हैं। ये लखे के बच्चे हैं, अब देखिए कैसे निकलता है, ये खाली है। ये देखिए मेरा एक लखा का बच्चा, हेल्दी है। ये मेरा लोटन है, ये गिरेबाज है, वो ब्लैक वाले भी गिरेबाज हैं, ये भी गिरेबाज के फीमेल हैं। ये लोटन के बच्चे निकले हैं और ये गिरेबाज है, नकाबपोष देख पा रहे हैं। ये पेयर लग चुके हैं, इनको अलग से सेटअप और जगह देना पड़ेगा बहुत जल्दी। वो सिराज है अलग से, वो सिराज की मादी है। और ये अभी इसके साथ में नकाबपोश के साथ में ये सिराज की मादी लगी हुई है। अब ये उसके बच्चे हैं, देखते हैं कैसा आया है। ये देखिए अब ये सिराज निकला है कि नकाबपोष निकला है। पैर में बाल अच्छे हैं, साइज अच्छा है, खिला पिला मस्त रहे हैं, वाइट में तो है। अब इसके गले के पास आया है नहीं आया है अभी तक तो पता नहीं चल रहा है।